आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। खमलाई में नहीं मिल रहा खेत सड़क योजना का लाभ। किसानों के पानी से होकर गुजरने के कारण गीली हो रही उपज। 100 से अधिक किसान परेशान। सनावद, प्रदेश की सरकार किसानों को उनके खेत से गांव तक आने के लिए सुविधा मिले, इसलिए खेत सड़क योजना के जरिए विकास कार्य करवा रही है। साथ ही इसमें इसके निर्माण होने से ग्रामीणों को होने वाली परेशानी का निराकरण हो रहा है। लेकिन क्षेत्र का एक ग्राम ऐसा जहां पर करीब 100 से अधिक किसान खेत सड़क योजना का लाभ नहीं मिलने से बीच पानी से होकर गुजरते हैं। वहीं कई बार तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि महिलाओं को पानी से होकर निकलना पड़ता है, जिससे उनके पास रखी गठरी गीली हो जाती है। ये पीड़ा सताजना पंचायत के ग्राम खमलाई के किसानों ने अपनी आपबीती हमारे प्रतिनिधि को सुनाते हुए बताया कि करीब 20 साल से इस मार्ग पर पानी की समस्या यथावत बनी है। बारिश और ग्राम का पानी भी इसी मार्ग से होकर निकलता है। इसी मार्ग पर करीब 100 से अधिक किसानों के खेत, हनुमान मंदिर और माताजी का मंदिर स्थापित है, लेकिन इस संबंध में किसी भी जवाबदार जनप्रतिनिधि पंचायत द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, जिससे किसानों को अकारण परेशान होना पड़ रहा है। ग्रामीण रेवाराम दोगाया, महावीर सिंगू ने, दुर्गाराम बिरला, मुकेश बिरला, प्रकाश बिरला ने बताया इस मार्ग के निर्माण को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों तक इस समस्या के निराकरण के संबंध में मांग रखी, लेकिन सालों बीत जाने के बाद आज भी ग्रामीण इस समस्या को लेकर परेशान है। ग्रामीणों ने बताया अभी खेतों में कार्य चल रहा है, फसल पानी में होने से बैलगाड़ी के जरिए जाना पड़ रहा है। कई बार तो ऐसी घटना होती है कि बेलों के ऊपर से पानी निकलने के समय बेल उसमें फंस जाते हैं, जिससे बैलगाड़ी लाने वाली फसल भी गीली हो जाती है। ग्रामीणों ने बताया इस मार्ग पर सुबह और शाम के समय खेत पर आने जाने वाली महिलाओं को भी असुविधा होती है। कई बार अनेक महिलाएं रास्ता नहीं होने से पास के खेतों से सावधानी से जाने का प्रयास करती है, लेकिन गिरकर गीले होने के कारण घायल हो रही हैं। वहीं ग्राम का हनुमान मंदिर भी इसी मार्ग पर है। पंचायत द्वारा जब पूर्व में खरंजा का निर्माण करवाया गया तो 1 मीटर तक खेत के मार्ग में निर्माण आखिर क्यों नहीं करवाया। इस मामले में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का ध्यान पूर्व में दिलाया गया, लेकिन समस्या का कोई स्थायी निराकरण नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया इस समस्या को लेकर पूर्व में समाधान के प्रयास किए, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र वर्मा ने बताया इस मार्ग को लेकर बड़ी राशि लगेगी, इसलिए कार्य पंचायत के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। वहीं इसके लिए अस्थायी निर्माण करवाने की बात कही, लेकिन इस समय खेत के कुछ लोगों ने रास्ता नहीं दिया था, जिससे वो कार्य भी नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने एक बार फिर जिले और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को इसकी शिकायत कर समस्या के निराकरण की मांग की। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। ये यहाँ पर नाला है, यहाँ तक का खरंजा हो, यहाँ से इधर अगर कोई भी जाता है तो घुटने घुटने पानी रहता है। कपास, मिर्ची, बैलगाड़ी, अभी एक बच्चा ने कीटनाशक लग गई थी उसको दवाई छिड़कते हुए, तो उसको बैलगाड़ी पे लेके आना पड़ा। और एक बार मेरे को सांप ने काटा तो कंधे पे लाद के लाना पड़ा। यहाँ पर ऐसी समस्या है, रोज़ महिलाएँ गिरती है और इतनी बददुआ देती है और बनाने वाले को इतनी बेकार बददुआएं देती है कि आज तक बहुत परेशान है यहाँ पर। ये खरंजा कब बना था? ये खरंजा साल भर हो गया इसको। तो इसके बाद आगे काम क्यों नहीं हुआ? काम कोई सरपंच ने भी नहीं करा, कोई ने नहीं करा, आगे के जो भी केंद्र वाले हैं किसी ने नहीं यहाँ का काम करा, कोई पंचायत ने नहीं, किसी ने नहीं। क्या कारण रहा काम नहीं होने का? ये आगे से इनको सरपंच दूसरे काम रोड करवाए पर ये रोड नहीं करवाया। और यहाँ पर कम से कम 100 उनके खेत है, इतने बहुत परेशान है, इतने लाचार है कि क्या बताए, बहुत बददुआ देते हैं। कब से समस्या आई है? ये समस्या तो जीवन भर की है। कितना समय हो गया जैसे अभी? अभी तो बहुत समस्या, जब से नहर आई है जब से पानी नहीं सूखता है। पहले और पानी सूख जाता था तो इंसान कैसे भी निकल जाता था। आइड साइड झाड़ी झंडी है, जीव जनावर रहते, निकलने में डर लगता है। एक सामने वाले का खेत है, वो बेचारा उसका भला हो जो वो निकलने दे रहा है आज। अगर उसने बंद कर दिया तो यहाँ पर कोई नहीं निकल पाएगा, खेती कैसे कर पाएंगे। कितने किसानों के, कितने किसानों के खेत है इधर? कम से कम 50 से 100 किसान के खेत है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश बिरला है। इतना लंबा